दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय दयाल स्वीट्स हमीरपुर। शहर के बीचों बीच गांधी चौक से कुछ दूरी पर सड़क के मध्य दिन दोपहर कूड़े का ढेर लगा रहा। बीच सड़क लगे इस कूड़े के ढेर की वजह से राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां से गुजरने वाला हर शख्स व्यवस्थाओं को कोसता हुआ नजर आया। कूड़े के ढेर को ना तो किसी ने सड़क किनारे किया और ना ही किसी ने इसे यहां से उठाने की जहमत उठाई। शुक्रवार दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक यह कूड़े का ढेर गांधी चौक से होकर गुजरने वालों का स्वागत करता रहा। वहीं स्थानीय दुकानदारों ने कूड़ा ले जाने वाले वाहन पर संगीन आरोप जड़े। दुकानदारों का कहना था कि ये वाहन में कूड़ा डाला ही नहीं गया था और इसे बीच सड़क पर ही छोड़ दिया गया। इसके बाद ना तो साथ लगते दुकानदारों ने इस गंदगी को एक तरफ किया और ना ही गाड़ी से लेने के लिए आई। आपका ये नहीं, गाड़ी वाले फेंकते गए। गाड़ी कूड़ा डालो नहीं डाले। अच्छा, डाला नहीं गाड़ी वालों ने? प्रधान जी को फोन किया, ठेकेदार जी को फोन किया, कूड़ा अच्छा नहीं डालेंगे। एक गाड़ी वालों ने फेंका खुद? हम उनको फ्रूट खिला रहे हैं, सब्जी पर्चियां कटा रहे हैं, पेमेंट डाला। अच्छा, तो क्या बोला उन्होंने, क्यों नहीं डाला? नहीं डाला जी। अच्छा, हमने बोला नहीं डालेंगे। ये बीच सड़क में किसने रखा है? हाँ जी, बीच सड़क में उन्होंने, गाड़ी वालों ने, जो कूड़े वाली गाड़ी आती है उन्होंने। ठीक। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। ऊना के प्रसिद्ध मिष्ठान विक्रेता दयाल स्वीट्स ने अपनी मिठाइयों की भारी डिमांड को देखते हुए हमीरपुर के गांधी चौक में भी अपनी नई ब्रांच शुरू कर दी है। यहां ग्राहक एक छत के नीचे मिठाइयों से लेकर हर तरह के बेहतरीन पकवानों का रोजाना लुत्फ उठा रहे हैं। बेहतरीन सिटिंग प्लान के साथ कुशल स्टाफ की सेवाएं ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं। यही वजह है कि सुबह से रात तक दयाल स्वीट्स शॉप पूरी तरह ग्राहकों से पैक रहती है। आपको बता दें, वर्ष 1962 से स्थापित दयाल स्वीट्स शॉप अपनी गुणवत्ता और ग्राहकों के साथ सौहार्द को आज तक बनाए हुए है। उनकी मिठाइयों की प्रदेश में तो डिमांड रहती ही है, साथ ही बाहरी राज्यों से ऊना आने वाले लोग भी दयाल स्वीट्स की मिठाइयाँ सांस ले जाना नहीं भूलते।